वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चाइनीज चिकन रोल, रोल की शीट्स के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली हुई है, गैस की फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने पर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे सोते करेंगे 1 से 2 मिनट। लहसुन सोते होने के बाद 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा नरम करेंगे। प्याज नरम होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कप चॉप की हुई पत्ता गोभी, मिक्स करेंगे। 1 कप चॉप किया हुआ गाजर और 1/2 कप शिमला मिर्च। अब इन सारी सब्जियों को हम थोड़ा सा नरम होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी थोड़ी नरम हो चुकी है, पूरी तरह पकाना नहीं है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। रेड चिली के बदले ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं आप। 200 ग्राम शेटर चिकन ऐड करेंगे। अब इन्हें हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। फीलिंग हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम लेंगे 1 अंडा, उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद बैटर हमारा ठीक है। इसमें और 1 कप पानी ऐड करेंगे। इस तरह से टोटल हम 2 कप पानी ऐड करके इस तरह से पतला बैटर तैयार करेंगे। देखिए कितना पतला हमने बना लिया। इससे हम रोल की शीट तैयार करेंगे। आप एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम को हमने ऑन किया है। पैन को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। 1 से 2 ड्रॉप ऑयल डाल के इस तरह से पोंछ लेने के बाद इसमें हम बैटर को डाल देंगे और इस तरह से घुमा के इसे निकाल लेंगे बाकी का बचा हुआ, और इसे फिर से पकाने के लिए रखेंगे। जब रोल की शीट पकते जाएगी तो इस तरह से किनारे छोड़ देगी और अंदर से भी इस तरह से पक जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेट में आटा लगा के रखा हुआ था ताकि शीट हमारी चिपके ना, और ऊपर से भी इस तरह से आटा लगाएंगे ताकि दूसरी शीट रखेंगे तो एक दूसरे से चिपके ना। तो इस तरह से दूसरा बैटर डाल के इसी तरह से शीट बना लेंगे। तो इस तरह से हम सारी शीट बना लेंगे। आटा लगाते जाएंगे और ऊपर शीट डालते जाएंगे। इस तरह से हमने सारी शीट बना ली। अब एक शीट लेंगे, उसमें हम फिलिंग को रखेंगे। इस तरह से रोल करेंगे और साइड से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने मैदे का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो इस तरह से लगा देंगे। अब रोल को इस तरह से फोल्ड करते हुए पेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से रोल बना लेंगे, शीट लेंगे, उसमें फिलिंग रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड से मैदे का पेस्ट लगा देंगे। इस तरह से घुमाते हुए सारे रोल बना लेंगे। तो यहाँ पे सारे रोल हमने बना लिए। ऑयल को गरम करेंगे और इसमें रोल को फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। तो एक साइड से क्रिस्पी होने के बाद हम बैक साइड से भी उसी तरह से फ्राई करके निकालेंगे। तो चाइनीज़ चिकन रोल शीट के साथ ने हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी एंड टेस्टी डिलीशियस चिकन रोल। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।